आप देख रहे हैं आपका बाजार। दो जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। निफ्टी को अगर आप देखेंगे 85-16 के लेवल्स पर इस वक्त अभी बाजार कामकाज कर रहा है ऑलमोस्ट 1% तक की तेजी के साथ। अपने अगले दर्शक का भी सवाल ले लेते हैं। हमारे पास फेसबुक के जरिए ये मैसेज आया है, ये आया है हमारे पास पारस पटेल का सवाल अशोक लेलैंड के ऊपर। 100 शेयर्स हैं इनके पास, 91.58 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, उसी के आसपास अभी ये शेयर ट्रेड भी कर रहा है। संजीव, आपकी राय क्या होगी अशोक लेलैंड को लेकर? देखिए साक्षी, अशोक लेलैंड के लिए मेरी राय होल्ड की होगी। काफ़ी अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, कंपनी ने अक्टूबर के सेल्स फिगर भी अच्छे दिए थे और कंपनी का ऑर्डर बुक कंटिन्यू, कंपनी को ऑर्डर्स फ्लो हो रहे हैं जो गोइंग फॉरवर्ड इसके फाइनेंशियल्स पे इसका नतीजा दिखने रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली अशोक लेलैंड पे होल्ड की ही सलाह होगी। जी, तो अशोक लेलैंड बने रहने की सलाह आपको दी गई है। 91 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। हमारे साथ विजय दीनानाथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। विजय जी नमस्कार। विजय आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क नहीं पा रहे। इनका सवाल इन्होंने भेजा है उजास एनर्जी के जरिए। करीब 200 शेयर है और 28.50 के भाव पर खरीदारी है, 37 रुपये का मौजूदा स्तर है। सिमी आप क्या राय रखती हैं उजास एनर्जी पर? मुनाफा हो रहा है इन्हें, करीब करीब 7 से 8 रुपये करीब का मुनाफा हो रहा है, 5.5% ऊपर भी है शेयर, क्या करें? देखिए सुमित, पहले तो ये पूछना पड़ेगा कि उनका नज़रिया कितना लंबा है। अगर बहुत लंबा है, मतलब यहाँ से अगर 1-1.5 साल का नज़रिया है, तो उनको होल्ड करने का भी का ही सलाह दिया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। पर उनका नज़रिया अगर बहुत लंबा नहीं है, तो उनको मैं ये कहूँगी कि 40 से 45 के बीच में एक बार प्रॉफिट बुक करने का भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक उस रेंज पर थोड़ा सा मतलब सप्लाई प्रेशर फेस कर सकता है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में वो रेंज क्रॉस करके करेगा ऐसा नहीं लगता है। अगर ऐसा करेगा तो इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा। अगर लंबी अवधि के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कीजिए। ये स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है। डिस्क्लेमर ये है कि ये स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है और मैं 1 साल से होल्ड कर रही हूँ और आने वाले 1 साल भी होल्ड करके ही रखूँगी, तो इसमें मेरा लंबी नज़रिया है। तो उनको भी मेरा मतलब उनका भी अगर लंबा नज़रिया है तो होल्ड करने का ही सलाह होगा मेरे तरफ से। ऑल राइट, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास फेसबुक के जरिए एक और सवाल आया है प्रशांत कांत का, और ये जानना चाहते हैं कैनरा बैंक पर। सवाल है इनका, 100 शेयर्स है इनके पास, 317 का इनका परचेजिंग प्राइस है, 298 के आसपास अभी ये शेयर चल रहा है, 3% तक के आसपास की अच्छी तेजी भी आज शेयर पर देखने को मिल रही है। क्या इस रुझान को देखते हुए आपको लगता है संजीव छोटी अवधि में इनके लेवल्स इजीली आ पाएंगे? देखिए ऐसा मुमकिन है। अगर आप पीएनबी के नतीजों को देखिए, एक अच्छा पीएनबी ने नतीजा दिया था, स्लिपेजेस भी पीएनबी के काफ़ी रिड्यूस हुए थे। तो और कैनरा बैंक भी एक अच्छी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, और नॉट ओनली कैनरा बैंक, हमारा पॉजिटिव व्यूज पब्लिक सेक्टर बैंकों में है। हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये जो एनपीए की प्रॉब्लम चल रही थी, ये बिट बाय बिट इंप्रूव हो रही है, और एक दो क्वार्टर में और ऐसा प्रेशर दिख सकता है, पर गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी। और कैनरा बैंक क्योंकि ये एक अच्छी बैंक है, अच्छा पोजिशन, अच्छा मार्केट शेयर रखती है बैंकिंग सेक्टर में, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में, और गवर्नमेंट का काम भी बैंक के कैनरा बैंक के पास ज़्यादा है, तो डेफिनेटली कैनरा बैंक में होल्ड की सलाह बनती है, ये होल्ड करके रख सकते हैं। जी, तो आपको बने रहने की राय दी गई है। केनरा बैंक के संदर्भ में भी फिलहाल 3% ऊपर कामकाज कर रहा है। ये वही कुछ शेयर्स पर नजर डालें, इसमें पहला नाम है कैपलिन पॉइंट का। कैपलिन पॉइंट को देखिए, एक स्पाइक्स में आया है, करीब 5% का एक स्पाइक है, 390 के स्तरों पर शेयर अब आ चुका है, जो कि इसका ऊपरी स्तर भी है, करीब 24 रुपये ऊपर शेयर है, 7% का स्पाइक देखने को मिला है कैपलिन पॉइंट में। और दूसरा है ओएमडीसी, 4% की बढ़त यहाँ पर भी अभी अभी आई है, और यहाँ पर भी एक अच्छे सडन स्पाइक के साथ 2450 के स्तरों पर कामकाज हो रहा है, 2465 का अभी आज का हाई है, और 2450 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। सडन स्पाइक ओएमडीसी में भी है, 5.5% का उछाल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। कुछ और सवाल भी देख लेते हैं जो कि फेसबुक के जरिए आए हैं। अरविंद राजपूत का एक सवाल है, SBI को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है, फेसबुक के जरिए सवाल है। करीब 100 शेयर हैं, 176 रुपये के आधार पर नहीं खरीदारी के भाव पर खरीदारी है। सिमी खरीदारी से करीब 70-80 रुपये ऊपर कामकाज कर रहा है SBI, अच्छे भाव पर खरीदारी है, अभी नंबर्स अवेटेड है, आप क्या राय रखती हैं SBI पर? देखिए SBI पे अगर उनका लंबी नज़रिया है तो मुझे लगता है कि एक ऐसा बैंक है जिसमें उनको मतलब पोजीशन होल्ड करना ही चाहिए। ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देगा,
ये करंटली जहाँ पे है मुझे लगता है कि मेजर सपोर्ट उसके आसपास ही है। इनफैक्ट अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए भी एंट्री करना चाहता है तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा जगह है जहाँ पे वापस से निवेश किया जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। उनका तो बहुत पुराना पोजीशन है तो मैं उनको होल्ड करने का ही सलाह दूंगी। आप प्लीज़ होल्ड कीजिए और थोड़ा बहुत टाइम इसमें दीजिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा इसमें। श्योर, चलिए इस शेयर के बारे में भी आपको राय मिल चुकी है। अगले दर्शक के सवाल ले लेते हैं। हमारे पास एक और सवाल है, इनफैक्ट हमारे साथ दर्शक जुड़े भी हैं, चेन्नई से मुकेश हैं। नमस्कार मुकेश जी, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग, क्या आज देखने को मिल सकता है? बीपीसीएल के ऊपर आपका सवाल है? हाँ जी। आपने 1000 शेयर्स लिए हैं 676 के भाव पर, आपका नजरिया क्या है? एक दो महीने के लिए मैडम, शॉर्ट टर्म का नजरिया। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। संजीव, बीपीसीएल 676 के भाव पर खरीदारी की हुई है, स्लाइट लॉसेस में है, लेकिन आज काफी अच्छी बढ़त हमने ओएमसी स्पेस पे देखी है, इसको देखते हुए क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए साक्षी, अगर मैं बीपीसीएल की बात करूँ तो एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है, और यू नो जैसा कि ऑयल प्राइस की मूवमेंट होती है, एक रुपए से ऑयल प्राइस को बढ़ाया गया, इसके कारण से आज ये सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में उछाल देखी गई है। पर अगर मैं पार्टिकुलर बीपीसीएल की बात करूँ तो इसकी फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, और कंपनी ऑयल एंड गैस एसेट को खरीदने के और भी प्लान में है, यानी बिजनेस एक्सपेंशन मोड में है, तो डेफिनेटली बीपीसीएल में होल्ड की सलाह होगी। जी, तो बीपीसीएल में आपको बने रहने की राय दी गई है, करीब करीब 3% ऊपर एक कामकाज कर रहा पूरे स्पेस में। इसके अलावा एक खबर अभी अभी आई है एनएससीएल मामले को लेकर, जहां पर ब्रोकर्स को शो कॉज नोटिस भेजा गया, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और सेबी ने शो कॉज नोटिस भेजा है। एक्सक्लूसिव खबर है सीबी की, एक्सक्लूसिव खबर लेकर तरुण मौजूद भी हमारे साथ। तरुण बताइए पहले पूरी खबर क्या है। तरुण आप सुन पा रहे हैं? तरुण आपको आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। जी जी, पूरी खबर बताइए तरुण। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है सेक्रेटरीज की, उन्होंने एनएससीएल मामले को लेकर, उसमें जिग्नेश शाह और रावल ग्रुप के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसके इन्वेस्टिगेशन करने को सेबी को बोला गया है। सेबी को बोला गया है कि रावल ग्रुप ने 1350 करोड़ का जो ट्रांजेक्शन एनएससीएल में किया था उसका एक इंसाइडर ट्रेडिंग के तौर पे इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि जब एनएससीएल स्कैम ब्रोकआउट हुआ था उससे पहले रावल ग्रुप जो है वो एग्जिट कर गया था इस एनएससीएल में से। तो इस चीज को चलते हुए सेक्रेटरीज की जो कमेटी है उन्होंने इस चीज को सेबी को इंस्ट्रक्शन दिया है, और हम देखेंगे कि कुछ महीनों में इस रिपोर्ट को सेबी वापस सेक्रेटरीज को पेश करेगा। मैं बताना चाहूंगा जो रावल ग्रुप है वो जिग्नेश शाह की वाइफ के नाम पे एक लाफिन ग्रुप के साथ अटैच्ड है, उसके तौर पे ये इन्वेस्टमेंट किया गया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।